इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अस्पतालों पर बढ़ते बोझ का मुद्दा संसद में उठाया है और इंदौर के लिए मेडिकल सुविधाएं तत्काल देने की मांग की है। सांसद लालवानी ने सरकार से कहा कि इंदौर और आसपास के जिलों की करीब 1.5 करोड़ आबादी चिकित्सा सेवाओं के लिए इंदौर पर निर्भर है, इसलिए इंदौर के अस्पतालों पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है। लालवानी ने सरकार से ICU और वेंटिलेटर के लिए 500 बेड की व्यवस्था करने का निवेदन किया है। साथ ही इंदौर में एम्स की सुविधा देने का या MY हॉस्पिटल में एम्स की तरह अपग्रेड करने की मांग रखी है। इस विषय में लालवानी जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात करेंगे। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद ही आसपास के कई मरीज भी गंभीर अवस्था में इंदौर पहुँच रहे हैं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शंकर लालवानी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। रात के 12 बजने वाले हैं और सदन चल रहा है। कोरोना के इस विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी सुविधाएं देश को मिली है। हमारे इंदौर को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिली है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और मेडिकल हब भी है। कोरोना की इस महामारी के बीच मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ, आदिवासी क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, हरदा, लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या का भार इंदौर के अस्पतालों पर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से 2 मांग रखना चाहता हूँ। एक तो ICU बेड और वेंटिलेटर की काफ़ी आवश्यकता है और इंदौर में तुरंत 500 बेड के लिए ICU और वेंटिलेटर की आवश्यकता सरकार आपके माध्यम से सरकार कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि इंदौर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना होना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा MI हॉस्पिटल को एम्स की सुविधा मिलना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।